चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखो पहली बात तो डायरेक्टली कि सत्तर लोग एक साथ ट्रेडिंग स्टार्ट किया था कोई गेम की तरह ही था नहीं धीरे धीरे करके जुड़ते गए थे लोग पता चला कि ये दोस्त ट्रेड कर रहा है फिर पता चला वो दोस्त का दोस्त ट्रेड कर रहा फिर उसको ग्रुप में जोड़ा गया फिर ऐसे कर करके ग्रुप बना हुआ था और धीरे धीरे दो तीन चार महीने में मोर देन सेवेंटी लोग जुड़ गए थे इस ग्रुप में लेकिन हुआ ये की पहला जो लेवल मैं मानूंगा लेवल वन कि जो लोग थे सबके पास तो बराबर पैसा नहीं था किसी के पास टेन के ही कैपिटल था किसी के पास ट्वेंटी के कैपिटल था किसी के पास हंड्रेड के कैपिटल था एक लाख रुपए था और बहुत सारे के पास पांच लाख और दस लाख या उससे ज्यादा भी था लेकिन जो सबसे शॉकिंग ट्रूथ देखने को मिला कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा था मान लो किसी के पास फाइव लाख रुपीज था उस समय शुरुआत में ही ट्रेडिंग कैपिटल आप लोग बोलते हो कि ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है बहुत सारा इंस्टाग्राम पोस्ट में भी देख रहा था कि एक रील अभी वायरल हो रहा था कि सोचता हूं कि ले लू ट्रेडिंग कैपिटल के लिए तो आप लोगों को लगता है कि शुरुआत में ट्रेडिंग कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट सबसे शॉकिंग ट्रूथ ये था कि जिसके पास भी शुरुआत में ट्रेडिंग कैपिटल अच्छा खासा था वो लोगों ने कैसे लूज किया उस पैसे को अगर आप वो सुनोगे तो आपको भी

पुट पता है तो फ्यूचर नहीं पता है एक्सपायरी में ऑप्शन जीरो हो जाता है बिलीव करो दस में से सिर्फ दो तीन ट्रेडर को पता था और वो ऑप्शन ट्रेड कर रहे थे उनको नहीं पता था कि अगर मैं एक्सपायरी तक ऑप्शन रखूंगा तो वो जीरो हो जाएगा ओटीएम ओटीएम सारे ऑप्शन एटीएम इस टाइप का कोई तो खैर पता ही नहीं था उन लोगों को तो इनमें से 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 जो इसमें करीब पच्चीस लोग तो इसी फिल्म स्टेक्स में बाहर हो गए और अच्छा खासा नुकसान किया उन लोगों ने वो लोग शायद मार्केट में सक्सीड हो जाते अगर उस समय उन लोगों ने अपना पैसा बचाया होता थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस कर लिया सीख लिया होता बेसिक चीजें भी जान ली होती स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है इंडिकेटर चार्ट पैटर्न यहां तक तो कहीं पहुंचे ही नहीं क्या लगता था पता नहीं कि मार्केट में आते थे और डायरेक्टली आपको शायद ये चीजें रिलेट नहीं कर पाओ क्योंकि आप मेरे वीडियोस देखते हो लेकिन ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं और हमेशा करेंगे जो मार्केट में आएंगे और हवा की तरह गायब हो जाएंगे बहुत बड़ा प्रॉफिट वो पोस्ट करते थे ग्रुप में लेकिन उन लोगों को कुछ पता नहीं था एक बंदे से मैंने बात भी किया था तो वो बोले भाई आप कितना प्रॉफिट करते हो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बोला कि देखो भाई देखा जाए तो मैं ब्रेक इवन ही हूं हाल फिलहाल के कुछ दिन से लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ उस टाइम तो उनको बताया कि देखो ओवरऑल मैं नुकसान में हूं क्योंकि मैंने शुरुआत में थोड़ा सा लॉस किया था उनका कहना था कि मैंने फिफ्टीन के के अकाउंट को सिक्सटी के कर दिया है विद इन अ थ्री डेज मैंने बोला देख दोस्त आज ट्रेड किया है दो दिन ट्रेड किया है अभी इतना मत उछलो इसको जब महीना भर तक आप एक कंसिस्टेंट रिटर्न बना पाओ तब बात करना ठीक है और तीन से चार दिन में ही उनका जो 65 के था वो माइनस हंड्रेड के बन चुका था और लॉस करके वो भी मार्केट से बाहर हो गए अब लेवल वन में मिस्टेक्स क्या थे उन लोगों का सिली मिस्टेक्स बाहर कितने हो गए करीब करीब 20 से 25 लेकिन जो लेवल टू था वो थोड़ा सा हार्ड हो गया यहाँ पे करीब करीब सभी लोग बेसिक चीज़ें सीख चुके थे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ऑर्डर कैसे बुक करना है एग्जिट कैसे करना है टारगेट क्या होता है चार्ट में कुछ तो देखना होता है ये सब चीज़ समझ में उन लोगों को आ गया था और इनमें से बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स को फॉलो करना शुरू कर दिए थे उनके वीडियोस डेली वीडियोज़ जो आते थे वो देखना शुरू कर दिए थे लेकिन अब देखो मान लो अगर लेवल टू में फिफ्टी लोग बचे हुए थे तो इनमें से करीब करीब फोटी लोग जो यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे थे ना वो किसका वीडियोज़ देख रहे थे जो डेली प्रॉफिट पोस्ट करते थे मान लो आज पांच लाख का प्रॉफिट हो गया कल सात लाख का प्रॉफिट हो गया ये इस चीज के पीछे चले जाते थे और इससे एक प्रॉब्लम होता ही था कि एक्चुअल कोई लर्निंग ये सीख नहीं पाते थे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो प्रॉफिट हो कर रहे हैं वो यूट्यूबर खराब है उनके चैनल पर भी लर्निंग मटेरियल बहुत सारा है लेकिन क्या हो रहा है ना कि लोगों का गलती है कि वो वीडियो नहीं देख के वो जा सीधे जाके उनका प्रॉफिट देख के अपना माइंड खराब करते हैं वही उनके साथ भी हुआ वो लोग सिर्फ यही चीज़ का डिस्कशन करते रहते थे कि कॉन्ट्रेक्टर कितना कमा रहा है कॉन्ट्रेक्टर क्या कर रहा है इस चक्कर में वो लोग अपना कुछ नहीं सीख पाए लेकिन उनमें से करीब पाँच छः लोग ऐसे थे जो कि एक्चुअल लर्निंग करना शुरू कर चुके थे उनको पता चल गया था कि सीखना पड़ेगा और कैसे सीखना है वो भी पता चल गया था आप किसको फॉलो करोगे इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके ट्रेडिंग जर्नी पे क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप अपने आसपास के पांच लोगों का एवरेज बनते हो तो उसी टाइप से आप जिन लोगों को यूट्यूब में भी देखते हो तो ऐसा मत सोचना कि उसका इंपैक्ट आपके माइंड पे नहीं पड़ता है बिल्कुल पड़ता है तो वही सब चीज जो है प्रॉब्लम हुआ अब दिक्कत यह था कि लॉसेस का जो बोझ था वो सर पे बढ़ते जा रहा था ट्रेडिंग हो रहा था प्रॉफिट तो हो रहा था लेकिन सिर्फ प्रॉफिट नहीं हो रहा था लॉसेज भी हो रहा था बट ओवरऑल लॉसेज ही हो रहा था क्योंकि अगर प्रॉफिट चार हजार होता था लॉस भी चार हजार होता था बट एक ऐसा दिन आता था जिस दिन लॉस पंद्रह हजार हो जाता था, था जिस कारण ओवरऑल सबका लॉस ही हो रहा था लेकिन कोई बताता नहीं था एक दूसरे को कुछ लोग थे थे जो कि डिस्कस करते थे। और प्रॉफिट वाला स्क्रीनशॉट आता था, था बट लॉस वाला स्क्रीनशॉट नहीं आता था लेकिन अब इस लेवल में अभी करीब 20 से से 25 लोग मार्केट बाहर इसीलिए हो गए क्योंकि वो रियलिटी में कुछ सीख नहीं पाए वो इसका उसका वीडियो तो देख लिया लेकिन उनको कोई भी लर्निंग नहीं मिला और वो हल्का फुल्का नॉलेज मार्केट में लिए लेकिन उनको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना नहीं आ पाया कि स्ट्रेटेजी में काम करना है दूसरा उनको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं था वो ट्रेड तो करते थे मार्केट का भी हल्का फुल्का कवर रखे बट मनी मैनेजमेंट क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होता है ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है ये नहीं समझ पाए और उनका भी कैपिटल धीरे धीरे खत्म हुआ और वो भी बाहर हो गए मार्केट से देखो मार्केट में एक ट्रेडर तब तक रहता है जब तक कि उसका अकाउंट खाली नहीं हो जाए उसके बाद भी बहुत सारे ट्रेडर रहे ऐसा नहीं है कि एक अकाउंट खाली नहीं होता अब लेवल थ्री जो था वो और ज्यादा हार्ड हो गया इसमें करीब दस से बीस लोग मार्केट में बचे हुए थे अब इनका बचे रहने का कारण यह था कि सबसे पहली बात कि इनमें से तीन लोग जो थे वो बहुत ही छोटा ट्रेड लेते थे बहुत ही छोटा रिस्क लेते थे वो सौ पचास रुपए का स्टॉप लॉस लगाते थे सौ पचास रुपए का ही टारगेट बुक करते थे और इसी टाइप का कभी कभी मिस्टेक भी कर देते थे सौ के जगह तीन सौ लॉस कर दिए फाइव हंड्रेड लूज कर दिए लेकिन तीस हजार या चालीस हजार तो लूज नहीं कर रहे अब मान लो आपके पास दस हजार है और किसी के पास दस लाख है मिस्टेक आपने भी सेम किया उन्होंने भी सेम किया आपने सिली मिस्टेक्स किया उन्होंने भी सिली मिस्टेक्स किया या आपने ओवर ट्रेडिंग किया उसने भी ओवर ट्रेडिंग किया बट आप दस हजार उड़ाओगे वो दस हजार वो दस लाख उड़ाएंगे आपका पैसा रिकवर हो जाएगा क्योंकि दस हज़ार कमाना बहुत इजी है आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग लेकिन दस लाख कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर उनके पास मान लो कैपिटल खत्म हो जाने के बाद पैसा नहीं बचता है आप जॉब करके दस लाख तुरंत नहीं कमा सकते हो अगर आप कोई बड़े पोस्ट पे नहीं हो या फिर बड़ा स्किल आपके पास नहीं है बट दस हज़ार कमाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आप थोड़ा सा मेहनत करोगे एफर्ट मारोगे दस हज़ार कमा लोगे तो ये जो तीन बंदे थे ये बहुत ही छोटा ट्रेड करते थे तो जो इनका मिस्टेक था वो इनके लिए तो बड़ा था बट एक्चुअल में वो बड़ा नहीं था जिसके कारण उनका पैसा रिकवर हो जाता था थोड़ा मोड़ा इकट्ठा हुआ पैसा आ जाता था और बाकी के जो लोग थे वो लोग मार्केट में इसीलिए सस्टेन कर पा रहे थे क्योंकि वो लोग जॉब करते थे उनका मंथली सैलरी आता था ब्लो होता था कैपिटल फिर अगले मंथ नया फंड स्टार्ट हो जाता था नया कैपिटल स्टार्ट हो जाता था इनमें से एक बंदा ऐसा था जिसका सैलरी पूरा मंथ का सैलरी मैं फाइव मिनट में अपनी आंखों के सामने उड़ते देखा था उन्होंने एक ऐसा ऑप्शन बाय कर लिया था जो कि उनको समझ में नहीं आया था कि ये पोजिशन को होल्ड करना है क्या करना है उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई क्या करें बताइए मैंने बोला देखो भाई एक्सपायरी कल है आज ही एग्जिट कर जाओ क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ओटीएम ऑप्शन खरीद लिया है और थीटा का बहुत ज्यादा ही आप पर इंपैक्ट पड़ेगा इसीलिए अगर मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा वो बोले ठीक है और बोल तो दिए कि एग्जिट कर गए लेकिन एग्जिट नहीं किया और फिर से मार्केट बंद होने के बाद वो मुझे फोन करते हैं कि क्या करें निकले तो नहीं हम तुम बोले सुबह निकल जाइएगा थोड़ा लॉस होगा देख लीजिएगा मार्केट को मार्केट जैसा कंडीशन रहे उसके अकॉर्डिंग आप एग्जिट कर जाएगा उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए ना भाई आप आ जाइए और आप मुझे बता दीजिएगा मैं वही करूंगा बोले ठीक है सुबह आ जाइएगा मेरे पास सुबह वो बंदा मेरे सामने बैठा हुआ था मैंने उनके आँख के सामने बोला कि भाई एग्जिट कर जाओ वो बोला देख लेते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं मैं बोला भाई एग्जिट कर जाओ देखने का कोई चीज़ इसमें बचा नहीं है बट वो देखते रहा देखते रहा देखते रहा और 10 मिनट के अंदर उनका जो कैपिटल था आधा तो थीटा खा गया था और आधा वो खुद बैठ के अपने सामने बर्बाद होता देखा तो इस टाइप के बंदे थे सैलरी हर मंथ आ जाने के कारण एक नया कैपिटल उनका हर बार रेडी हो जाता था जिससे कि वो ट्रेडिंग कर पाते थे इसमें भी कोई बुराई नहीं है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर का यही जर्नी होता है ऐसा नहीं है कि अकाउंट एक एक ब्लो नहीं होता एक प्रोफेशनल ट्रेडर का देखो बिगनिंग में शुरुआत में सब यही मिस्टेक्स कर मैं आपको इस वीडियो में सीखने वाली बात ये बता रहा हूं कि आप समझो कि किसने क्या मिस्टेक किया के साथ कैसा सिचुएशन बना जिसका क्या उनको रिजल्ट क्या आउटकम उनको बाद में देखने को मिला ताकि आपको समझ में आ सके देखो सुभाषिष पावर ऑफ स्टॉक का वीडियो भी आप देखते होंगे वो भी अपना अकाउंट बताते हैं कि शुरुआत में ब्लॉक किए थे घनश्याम टेक भी अकाउंट अपना ब्लॉक किए थे बहुत सारे ट्रेडर अकाउंट अपना ब्लॉक मैंने भी करीब एक दो बार अपना अकाउंट ब्लॉक किया लेकिन सीखा मैंने उस चीज से ठीक है मगर आपने उस चीज से अगर कुछ भी नहीं सीखा तो प्रॉब्लम और दूसरी बात कि ये तीन बंदे जो थे जो छोटा लॉस ले रहे थे स्मॉल लॉसेस कर रहे थे सीखने वाला अप्रोच रख रहे थे आगे जाके यही तो ट्रेडर बने इनमें से तो एक बंदा भी बाद में ट्रेडर नहीं बना एक बंदा भी बाद में ट्रेडर नहीं बना ऑलमोस्ट सभी लॉसेस में चल गया ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता था बन सकता था बट चूंकि लॉसेस का बोझ इनके सर पे बढ़ता जा रहा था मान लो छह महीने पहले इनके सर पे था लॉस बारह लाख का तो अभी इनका लॉस हो गया 18 लाख अब एक एक महीना बढ़ते जा रहा है लॉसेज और बढ़ते जा रहे हैं महीने के साथ साथ जिनके रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग उनका लॉस है जिनके फंड साइज के अकॉर्डिंग उनका लॉस है किसी के लिए फाइव लाख ,00 का लॉस बढ़ा था तो उनके लिए फाइव लाख ,00 का लॉस था अगला महीना छह लाख का लॉस हो गया उसके अगले महीने मान लो साढ़े ,00 हो गया इस तरह करके बोझ बढ़ता जा रहा था लेकिन ये जो तीन छोटे ट्रेडर थे जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे थे उनमें से एक ट्रेडर अचानक से बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट करने लगता है मतलब कि अपने प्रॉफिट से मान लो वो सौ रुपये कमा रहा था सौ रुपये लूज कर रहा था तो एक दिन पंद्रह सौ का प्रॉफिट पोस्ट कर देता है अब देखो प्रॉब्लम ये होता है कि इसको देख के जो बाकी के ट्रेडर थे उनको इमोशनली डैमेज होने लगता है कि यार ये बंदा इनके पास पैसा नहीं था ये कैसे मेरे जितना प्रॉफिट कर सकता है लॉस कर सकता है और ये बंदा बढ़ते जा रहा था पंद्रह सौ का प्रॉफिट फिर पच्चीस सौ का प्रॉफिट करने लगा फिर पंद चार हज़ार का प्रॉफिट करने लगा छः हज़ार का प्रॉफिट लॉस दिखाने लगा ग्रुप में भेजने लगा हालांकि यह नहीं करना चाहिए था मैं समझ गया था बाद में लेकिन होता यह है कि इसको देख के ये लोग बहुत ज्यादा ही डीमोटिवेट हो जाते हैं एक तरह से देखा जाए और फोमो में आके ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और जो चीज ये लोग छह महीने में शायद सीख जाते या फिर महीने में जो पैसा लूज करते ये लोग और लर्निंग भी लेते हैं वो छह दिन में लूज कर देते हैं लेकिन दो बंदे और जो थे वो ग्रुप में इनसे पूछना शुरू करते हैं कि भाई क्या किया आपने जो ऐसा आपको रिजल्ट मिल रहा है बोला देखो भाई ऐसा ऐसा है ये ये फॉलो होता है तो मतलब डिस्कशन शुरू होने लगा तो इन दोनों लोगों ने भी इसको फॉलो करना शुरू कर दिया बट इन राइट वे वो इस बंदे से जले नहीं ना ही अपना फोमो क्रिएट किया वो सोचा भाई ये प्रॉफिट कमाया है तो मैं भी कमा सकता हूं देखो मार्केट में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर जानते हैं तो हो कि होता है यूट्यूब में भी देखे हो कि आज इसने इतना कमाया उतना कमाया बट रियल लाइफ में कभी देखे ही नहीं हो कि कोई बंदा प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट कर रहा है बट अगर आपको एक ऐसा बंदा मिल जाता है जो कि दिखता है आपको कि प्रॉफिटेबल है प्रॉफिट कमा रहा है हर बार तो आपको एक बिलीव सिस्टम अंदर से जनरेट होना शुरू हो जाता है कि यार दो पैर दो हाथ एक दिमाग इसके पास भी है मेरे पास भी मेरे साथ ही स्टार्ट किया था तो अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं कुछ अलग तो है नहीं तो ये जो बिलीव सिस्टम है आपका तब जनरेट होता है जब आप उसको सामने से देखते हो लेकिन अभी आपको लग रहा है कि प्रॉफिट होता है मार्केट में बट आप जिसको भी देख रहे हो लॉस करते देख रहे हो और इस चीज से आपको पता हो या नहीं हो आपका माइंड में बैठ चुका है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता है इसीलिए अगर ऐसा कोई बंदा आपको दिखता है आपके फिजिकली आसपास तो उनसे दोस्ती करना शुरू करो कांटेक्ट बढ़ाना शुरू करो फोमो वाले ट्रेडर से दूर रहो उससे आप कुछ सीख नहीं सकते हो झूठ का ट्रेडिंग कम्युनिटी बना के भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा ऐसा नहीं है लेकिन अच्छा ट्रेडर का अगर संगत आपको मिल गया तो बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा आपको तो ये जो दो बंदे के थे इनसे सीखना शुरू करते हैं और इस बंदे के दिए गए रूल को फॉलो करते हैं कि ऐसा ऐसा करना है क्योंकि एक प्रूवन रिजल्ट उनको दिखता है कि हाँ भाई रिजल्ट तो मिलता है और मिला है इस बंदे को और देखते ही देखते अगले तीन से छः महीने में ये लोग भी आ जाते हैं, अपने सारे सात लाख का लॉस था और इनका लॉस जो था वो सत्तर हजार का लॉस था अब किसका लॉस इजी रिकवर होगा इनका या इनका जाहिर सब बात है इनका और देखते ही देखते ही ये तीन लोग लगभग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं और करीब करीब सिक्सटी लोग इस जर्नी में बाहर हो जाते हैं जिसमें से आपको बता दिया मैंने कि कुछ सिली मिस्टेक्स कुछ बेसिक मिस्टेक्स और कुछ साइकोलॉजी के कारण बाहर हुए लेकिन आपको जो इस चीज से सीखना चाहिए वो आप इस वीडियो में ढूंढ के मुझे कमेंट करके बताओगे इस पूरे जर्नी में मैसेज तो है जो कि मैं इस वीडियो में आपको डायरेक्टली नहीं बताया वो चीज आप फाइंड आउट कर लेते हो तो फिर आपके लिए रास्ता आसान है मैं देखना चाहता हूं कि किन लोगों ने उस चीज को फाइंड आउट किया कमेंट में जरूर बताएगा मेरा एक्साइटमेंट है कि आप देख पाते हैं कि नहीं दूसरी बात अगर मान लो आपने सात लाख दस लाख लॉस किया है तो इसका ये मतलब नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो आपके लिए रास्ता मुश्किल है ये चीज जान लेना आपके लिए रास्ता आसान कर देता है जब तक आप जानोगे नहीं कि क्या मुश्किलें हैं तब तक तो आप हवा में हो सकता है चलोगे उससे बेटर है कि आपको पता है कि थोड़ा सा हार्ड है टाइम लगेगा मेरा भी लॉस रिकवर होगा जब सत्तर हजार रिकवर हो सकता है तो इसका मतलब था कि सात लाख भी रिकवर हो सकता है बट तुरंत प्रॉफिट कमाने का जो खुजली होता है वो आदमी को डुबा देता है तो कमेंट तो कमेंट में आपका इंतजार रहेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में तब तक के लिए बाय